को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज है 14th of August, मैंने कपड़े भी बिल्कुल 14th of August लगाए। मैंने जाहिर है आज 14th of August है और मैंने अच्छू टू से यहाँ पे फ्लाइट लगाया है, तो मैं अच्छी लग रही हूँ। आई एम जरूर बताइए कॉमेंट्स में। खैर हम अपनी वीडियो करते हैं, अगर आप अच्छी लगे तो लाइक लाजमी। द 14th of August इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी दी है। On this day, our country was free. Pakistanis celebrate this day with great joy every year. लहू देके अपना सवारे वतन को। This is an amazing celebration where made in our schools. They always remind us of the untold sacrifices of the fighters of freedom. जो कर गए हैं पर काटने आए थे जो कभी सब दुश्मन खाक उतर गए हैं। जाके मुश्किल से ये कह दे जो करना है चाहे कर ले। आजाद रहे तेरा ख्वाब हमेशा बॉर्डर्स पर नहीं जा सकते, बट मम्मी ने एरिया में ही जैसे आप बोलते थे किसी को ज़रूरतमंद है, किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, अगर हम अपने लिए वो हमारे ऊपर हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, तो हम अपने लिए भी लड़ते हैं। तो हमारा फर्ज है कि अगर हम देखें कि किसी मुस्लिम पर जुल्म हो रहा है तो हम उसकी मदद करें, और अगर हमसे ना हो सके तो हमारे पास पुलिस अवेलेबल है, उनकी हेल्प लेकर उनकी मदद कर सकते। लेकिन हमें कहीं से लगता नहीं है कि ये कोई आज़ाद मुल्क है, क्योंकि जिस तरह के हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के दैट्स नॉट गुड। नहीं तो ये होता था कि लड़कियाँ मर जानी है, उनके लिए सही नहीं है मर जाना। तो मैं कहती हूँ कि सही नहीं है बाहर जाना। ये याद रखना चाहिए कि कितनी मुश्किल से हमें हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ है, इतनी मेहनत के बाद, इतनी कुर्बानी के बाद हमें ये आज़ाद मुल्क मिला है। वरना जहाँ हम आज़ादी से घूम सकते हैं, वरना आप दूसरे मुल्क में जाएं, वहाँ इतना आज़ादी नहीं है। वहाँ एक मुसलमान लड़की नहीं निकल सकती है वहाँ। सो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें एक आज़ाद मुल्क मिला है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। तो आई होप कि आप लोग मेरी वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो ढेर सारा प्यार कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगेंस्ट वंस अगेंस्ट।